ठीक है जी भाई, लेक्चर नंबर 81। अच्छा भाई, ये टेस्ट नंबर 8 में आई डोंट थिंक सो कि कुछ डिस्कस करने वाला था। बहरहाल एक पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं। एएल एक्वायर्ड, अब टेस्ट नंबर 8 में एक पॉइंट था, एएल एक्वायर्ड 2,00,000 इक्विटी शेयर्स बाय मींस ऑफ अ 2,00,000 शेयर्स ऑफ एएल। सबसे पहले एएल ने अपने शेयर्स दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये एंट्री हो जानी थी। कैश पेमेंट ऑफ 1,50,000, तो कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन शायद इस 1,50,000 की फिगर में कोई 15,000 एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ था, वो लॉयर फीस थी, उसकी हमने एंट्री की थी, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। आज के सवाल में मैंने वो एंट्री करवानी भी है, इसलिए इसको छोड़ें। बस एक ये एडजस्टमेंट थी जो क्लास में आपको करवाई थी पहले भी एक दफा। एएल एक्वायर 247 शेयर्स बाय मींस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, वो क्या थी? एएल पे करेगा फर्दर अमाउंट टू ओल्ड ओनर्स ऑफ सब्सिडरी इन कैश ऑन 30 सितंबर 2019, मतलब कि हमारे साल के 3 महीने बाद। इफ सब्सिडरी अर्न्स गुड प्रॉफिट्स, अगर सब्सिडरी अच्छे प्रॉफिट कमाए तो कितने पे करेगा वो अभी नहीं लिखा हुआ। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। आपको पता है डेट ऑफ एक्विजिशन वाली जो सारी चीजें हैं वो वर्किंग वन में जाती हैं, तो वर्किंग वन में इन्वेस्टमेंट की जो फिगर निकलनी थी वो ये निकलनी थी, 10,000 की एंट्री होनी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। फिलहाल ये पेएबल किस पे बुक कर लें? 10,000 पे। लेकिन जब जीयर एंड आया तो हमारा ख्याल है कि सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं बुरा परफॉर्म किया, हमने सिर्फ उसको 2,000 देने हैं। द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय एल, और हमने अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, तो नहीं डिस्क्लोज वाली नहीं है ये, ना 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 ना, ये वो नहीं है, वो डिस्क्लोज और वो कुछ और थी, वो मैं बताता हूँ क्या थी। वो ये थी कि जिस वक्त हम सब्सिडरी को बाय करने गए, सब्सिडरी के खिलाफ कोर्ट में कोई केस हुआ हुआ था, तो उस वो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का लफ्ज वहां नहीं था, वहां कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का लफ्ज था, लेकिन वो भी आई गेस 1037 का कॉन्सेप्ट है, वो उसमें देखेंगे। वो ये था कि सब्सिडरी के खिलाफ कोई केस हुआ हुआ था और हमारा अंदाजा था कि केस हारना है या जीतना है इसके ऊपर बहस थी, उसको फिलहाल साइड पर रखो, वो किसी और दिन रिवाइज कर लेंगे, फिलहाल ये मुझे बता लेने दो। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां किया था क्लास में? ये कॉन्सेप्ट हमने ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये हमने क्लास में किया था पेज नंबर 470 पे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 किया था। इसकी एंट्री जरा आप जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये बात याद आ जाएगी। बहरहाल तो जिस वक्त हमने सब्सिडरी को खरीदा है उसने सोचा है कि हम सऊदी किंग को कितने पैसे देंगे? 10,000। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 10,000। और उसके बाद जब साल का एंड आया तो हमारा ख्याल था कि नहीं अब इतने पैसे नहीं देने, अब सिर्फ 2,000 देने हैं, तो खुशी बुक करें 8,000 की, 8,000 की खुशी बुक करने की एंट्री, लाइबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये खुशी पेरेंट को हुई है, इसलिए लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट करके एंट्री सीआरई में जानी थी, यही वाला इशू था। तो ये क्वेश्चन 19 था असल में जी। किस में जाके? सीआरई में। तो सीआरई ही तो है, बैलेंस शीट का सवाल था ना, तो अदर इनकम में नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें पीएनएल नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ओके चलें। यार कुछ लोगों ने शायद पास पेपर के क्वेश्चन नंबर कोई 3 या 4 को हार्ड डालने की कोशिश की है। कितने लोगों ने हार्ड डालने की कोशिश की है पास पेपर क्वेश्चन 3 को? उसमें एक दो हल्की फुल्की चीजें आई होंगी, वो एंड पे टाइम बचा तो मुझे याद करा दीजिएगा, मैं वो चीजें बता दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ जो है वो चाह रहा हूं कि कल जो हमने सारा पढ़ा था उसकी एक दफा रिवीजन हो जाए पिछली से पिछली क्लास में। जिस वक्त आपको पेपर में सवाल आया करेगा एसोसिएट का, तो एसोसिएट के सवाल में ये हैंड रिटन पेज में खोल रहा हूं साथ, जिस वक्त आपको पेपर में सवाल आया करेगा एसोसिएट का, तो हैंड रिटन पेज नंबर 2 पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, उनको रिवाइज कर लें। तो पी की बैलेंस शीट शो कर रही होगी इन्वेस्टमेंट इन ए एट कॉस्ट, ऐसा ही है।
पिछले से पिछले क्लास में जो सवाल किया था, पी की बैलेंस शीट शो कर रही होगी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, ऑलरेडी पास हो चुकी होगी जो एंट्री वो हो चुकी होगी पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, करंट एसेट में कैश क्रेडिट हो गया होता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। वी विल नॉट कंसोलिडेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एसोसिएट, वी विल नॉट कंसोलिडेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एसोसिएट, लाइन बाय लाइन एड नहीं करेंगे, बल्कि हमारी नजर सब्सिडरी के एसेट्स लाइबिलिटीज पे और अर्निंग्स पे होती थी, इधर हमारी नजर सिर्फ अर्निंग्स पे होगी। वी विल नॉट कंसोलिडेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एसोसिएट, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें काट दी जाएंगी। वी विल नॉट रिकॉर्ड एनी गुडविल ऑफ एसोसिएट, इसमें कोई गुडविल का चक्कर नहीं होगा। अगली बात, आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसल नहीं होंगे, आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसल नहीं होंगे। इस बात का यह मतलब था कि पी अपनी किताबों में, ये जो क्वेश्चन टू हमने किया था, पी अपनी किताबों में डेटर डेबिट और सेल, सेल क्रेडिट तो अर्निंग में होगी होगी ना, पी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट कर चुकी होगी, जिसकी वजह से डेटर पी की किताबों में नजर आ रहा होगा 25 का, लेकिन एसोसिएट की किताबों में पेपर में तो हमें नजर आ रहा होगा यहां क्रेडिटर, क्योंकि ये परचेज डेबिट क्रेडिटर की एंट्री कर चुके हैं, लेकिन ये क्रेडिटर हम बैलेंस शीट के फेस पे डालेंगे नहीं। जब ये वाला 25 बैलेंस शीट के फेस पे लेके ही नहीं गए, लेकिन ये वाला 25 ले गए, तो अगर कैंसल करना चाहें तो एक 25 नजर आ रहा है और दूसरा 25 बैलेंस शीट के मुंह पे लेके ही नहीं गए, तो वो नजर, तो जब वो नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या इस 25 में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो वो तो सिंगल एंट्री बन जाएगी, बैलेंस शीट हमारी खुद ही आउट हो जाएगी। तो इसलिए अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि आपको आपस के रिसीवेबल पेएबल बोले कैंसल करने की जरूरत नहीं है। आपस के रिसीवेबल पेएबल में आपको एक आसान सी बात बताऊं, लोन रिसीवेबल आ रहा होता था पेरेंट की किताबों में और सब्सिडरी की किताबों में लोन, आप उन दोनों को ऐसे लाइन लगा के काट देते थे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल कलांको एसोसिएट के सवाल में पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल नजर आ रहा हुआ और एसोसिएट की किताबों में लोन पेएबल नजर आ रहा हुआ, तो लोन पेएबल आपको तो देखने में नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने उसे वैसे ही सवाल मुंह पे नहीं लेके जाना, तो उस लोन रिसीवेबल को फिर आपने खड़ा रहने देना है पेरेंट की किताबों में, उससे आपने काटने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपस के रिसीवेबल्स पेएबल्स जो होंगे वो क्योंकि पूरी तौर पे ऊपर नजर नहीं आते तो काट भी नहीं सकते। कैसी रही दो छुट्टियां भाई आपकी, अच्छी रही माशाल्लाह। चलो आगे चलें, दो छुट्टियां मीन्स तीन लेक्चर। ओके, वी विल रिकॉर्ड पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ ए, वो मैंने आपको बता दिया था, एक एंट्री हमने की थी क्या वर्किंग 7 खोली थी, क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू पोस्ट, और उसकी एंट्री हमने की थी इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई, जिसकी वजह से यहां पीआरई एसआरई एआरई तीनों नजर आने लग गई। अच्छा, आप एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स इस टॉपिक में बड़ी आसान है, एक लाइन हमने ऐड किया करनी है, सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड प्रॉफिट के नीचे पीस शेयर ऑफ अबव। अब इस एंट्री को ना खुद आपने सोचना है जबानी, पहला किसने बेचा, ए ने, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए ने। कल हमने बनाया था सीआरई का अकाउंट, तो उसमें एआरई यहां नजर आ रहा था, तो सीआरई डेबिट, सीआरई डेबिट, सीआरई डेबिट कर दें। किसने खरीदा, किसके स्टॉक में पड़ा हुआ, मेरे ख्याल से पी का जो स्टॉक है वो तो आप उठाते हैं, तो उसमें से फिर माइनस कर दें, तो क्या एंट्री बनी, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, रिटर्न उठानी मानना आसान सी एंट्री है। किसने बेचा, पी ने, किसने प्रॉफिट बुक किया, पी ने। वर्किंग 3 में सीआरई में इधर पीआरई पड़ा हुआ है, तो इधर भी सीआरई डेबिट होगा, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा, किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, ए का स्टॉक तो कल हमने उठाया नहीं था, तो जब ए का स्टॉक उठाया नहीं तो आज आके जोर किस पे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे, तो सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और नीचे वाली एंट्रीज मैं नहीं आपको करा रहा, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट वाली एंट्री है वो भी सेम है, स्टॉक की जगह इधर पीपी है, तो नीचे वाली एंट्रीज मैं नहीं करा रहा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की एंट्री सारी सेम है, लॉजिक भी उसी तरह, सोचना भी उसी तरह, लेकिन इधर भी एक नई लाइन ऐड होगी, पी शेयर ऑफ अबव। ओके, इंपेयरमेंट की नॉर्मल सी एंट्री है, बोल दें सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया, अब हमने एक पीएनएल का सवाल करना है और कल पीएनएल बैलेंस शीट का सवाल करेंगे, बस इतना सा टॉपिक था एसोसिएट्स का, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये गिनी चुनी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब मोहतरम पीएनएल का सवाल सॉल्व करते हैं।
लेट्स स्टार्ट, आसान सा सवाल कोई निकालें। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 किया था यार? सच्ची सच्ची बताएं, किया था क्वेश्चन 3? कितने मैंने किया था? ये नहीं किया तो आज कर लीजिएगा, ये फिर टाइम नहीं मिलना आने वाले दिनों में आपको क्वेश्चन। और ये हाँ लेंथी तो था ना, जाहिर बात है, सब्सिडी के एडजस्टमेंट भी डाली हुई थी, एसोसिएट के एडजस्टमेंट भी डाली हुई थी, तो सारा एक गो में करेंगे तो आप समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ ईएल एंड इट्स सब्सिडरी एसएल एंड एसोसिएट ईएल एट 31 दिसंबर 2019 आर शोन बिलो। नहीं, वो क्लोजिंग माइनस प्री करके फिगर एक उठाते हैं ना, उसकी भी डबल एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्लोजिंग माइनस प्री करके उठाते हैं एक ही फिगर, वो असल में बस पोस्ट निकालनी होती है, पोस्ट की डबल एंट्री हो जाती है ये समझ लो। ओके, क्योंकि उसकी पूरी बैलेंस शीट तो हम उसे उठा ही नहीं रहे। अच्छा मोहतरम, अगर कोई साहब टेस्ट दें और टेस्ट में नंबर कम आए तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? दोबारा ट्राई करते हैं और क्या करते हैं? अच्छा, मेरे तो ख्याल से इसमें आपको ये करना चाहिए कि जब आप टेस्ट दें और टेस्ट में कम नंबर आएँ तो एक एक एडजस्टमेंट को देखें सोल्यूशन से। अच्छा, इसको मैंने सही नहीं किया, इसको मैंने सही नहीं किया, इसको मैंने सही नहीं किया, वो 10 में से 3 या 4 एडजस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसे आपने सही नहीं किया। वो 3 या 4 एडजस्टमेंट अब आप सोचें कि क्लास के किस सवाल में की थी, अब आप क्लास के उस सवाल को जाके रिवाइज करें, वो रिवाइज करके आके एडजस्टमेंट्स को फिर दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ के आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मेरे में क्या गलती हो रही थी। और फिर कभी कुछ ऐसे बंदे से भी डिस्कस कर लें, मिसाल के तौर पर जिसके आपसे 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स ज्यादा आए हों, उसे पूछें कि यार ये जो एडजस्टमेंट तुमने की थी मुझे पेपर में ये समझ आ रहा था, तुम्हें ये समझ आया, वो कहेगा असल में फलां सवाल में सर ने ये कराया था, ये बात मुझे याद थी। अभी जैसे एक एडजस्टमेंट अभी मैंने आपको दिखाई है, आपको बिल्कुल भूली हुई थी, क्वेश्चन नंबर 19 में से उठा के दिखाई है, तो वो असल में एक दफा क्लास में कराई थी इसलिए शायद भूली हुई थी। तो इस तरह इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, एक तो ये हल है। फिर दूसरा ये हल है कि जब कभी किसी टेस्ट की डिस्कशन हो रही हो या कभी आप टीचर से सवाल पूछें और सवाल पूछ के टीचर उसका जवाब दे, तो ये हर टीचर के बारे में रूल सुन लें, तो आप उसको सोचें कि टीचर ने क्या ऐसा यानी कि सोच लिया जो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि सवाल के अंदर कोई ना कोई ऐसा लाइन या लफ्स लिखा होता है, तो अब अपने आप से पूछें ये लफ्स मुझे क्यों नहीं नजर आया। अब अगली दफा टीचर से सवाल करने से पहले आप उसको 10 दफा पढ़ें, कहीं मैं वो चीज़ जरा ढूंढ लूँ जो मुझे टीचर ने बतानी है, ताकि मैं ही उसके ऊपर एफर्ट कर लूँ, तो इस तरह भी आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फील करेंगे। और एक और ये भी इंप्रूवमेंट का तरीका होगा कि अगर सवाल के अंदर कोई लाइन लिखी हुई है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से करके पढ़ें कि अगर इसकी जगह ये नहीं ये लिखा होता मैं क्या करता। मिसाल के तौर पर ये कोई एडजस्टमेंट होमवर्क वाले सवाल में, आज डिफरेंस इज ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट, अगर चेक की जगह गुड्स लिखा होता तो मैं क्या करता, तो इसको चेंज करके सोचा करें, तो फिर मैं ना सिर्फ आपस के रिसीवेबल पेएबल जो है वो उनको कैंसिल करता बल्कि उसकी प्रॉफिट की एंट्री भी करता। अच्छा, इस सवाल में कोई थे आपस के डेटर क्रेडिटर? इस सवाल में थे कोई आपस के डेटर क्रेडिटर? किस पॉइंट में थे? पॉइंट नंबर 4 में, जो कि एसोसिएट और पेरेंट के थे। नहीं नहीं, एसोसिएट और पेरेंट के कोई नहीं थे मेरे ख्याल से, सब्सिडरी और पेरेंट के थे। ओके, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट के लिए आप हजरात ये कर सकते हैं कि होमवर्क के सवाल को ना कुछ दिन 2 दफा करें। जब होमवर्क के सवाल को कुछ दिन 2 दफा करेंगे तो इससे स्पीड बढ़ सकती है। असल में हर बंदे की एक तबीयत और नेचर होती है, कुछ लोग जल्दी बात को पकड़ के जल्दी कर लेते हैं, कुछ को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो कोशिश किया करें 2 दफा सवाल कर लें, तो शुरू वाले दिनों में टॉपिक में जब 2-2 दफा सवाल करेंगे तो अगले टॉपिक्स में लर्निंग कर्व बन जाएगा और सवाल जल्दी हो जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ पेरेंट्स सब्सिडी एंड एसोसिएट एज एट 31 दिसंबर 2019 पेरेंट्स सब्सिडी एसोसिएट, तो इनको तो काट दें। उधर क्या काटा था? पेरेंट एसोसिएट की एसेट्स और लाइबिलिटीज, और क्लोजिंग आरी पे नजर गई थी, क्लोजिंग आरी पे। इधर क्लोजिंग आरी पे नजर ना लेके जाएं, क्लोजिंग आरी टाइप चीज प्रॉफिट, प्रॉफिट पे नजर लेके जाएं। और ये 1750 तो आपको पता है कहां जाना है, वर्किंग 5 में, और 2000 जाएगा वर्किंग 5.1 में। आज एक नई वर्किंग हम ओपन करेंगे, वर्किंग 5.1, ये किसका प्रॉफिट होगा? एसोसिएट का। तो सबसे पहला काम, ये तो सारा पुरानी चीज है, जो नई चीज है उसमें सारी चीजें काट दें, लाइन बाय लाइन हमने चीजें ऐड नहीं करनी, हमारी नजर सिर्फ किस पे होगी? प्रॉफिट पे। अच्छा, अगली बात बता दें, इसका प्रॉफिट हम पूरा एंजॉय करें या इसका प्रॉफिट हम 25% एंजॉय करें? चलें ये बात भी खत्म होगी, एसोसिएट का प्रॉफिट हम कितना एंजॉय करें? 25% एंजॉय करके P&L में कहीं ना कहीं शो करें, P&L में कहीं ना कहीं शो करें, कंसोलिडेटेड P&L में कहां करें, उसमें अकाउंटेंट्स की राय थी, बस PBT से ऊपर एक लाइन डाल दो, जहां मर्जी लाइन डाल दें, GP के नीचे डाल दें, अदर इनकम के पास डाल दें, जहां मर्जी डाल दें, जब याद रखिएगा आपने लाइन बाय लाइन नहीं ऐड कर रहे तो कोई ना कोई नई लाइन फिर डालनी पड़ेगी, या तो आप इसकी सेल को अपनी सेल बनाते हैं,
या इसी कॉस्ट ऑफ सेल को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं, जब वो नहीं बनाई तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, कोई एक नई लाइन ऐड करनी पड़ेगी। नई लाइन का नाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो एक लाइन बस हम डाल देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, उसको पीएनएल के मुंह पर डाल देंगे। तो ये सवाल तो एक दो मिनट में कर लें, इसको लाइन डाल दें किसके ऊपर, पीबीटी के ऊपर। चलें जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। एसोसिएट वो है जिसके हमने 20-50% शेयर खरीदे हैं, इकतीस दिसंबर 2000 जी। सेल बता दें 15,000 और 7,500। किसकी सेल को ऐड ना करें, एसोसिएट की। लाइन बाय लाइन ऐड ना करें, एक ही दफा इसको देख लेंगे क्या करना है। 12,000 और 5,000 आगे बोले। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ना आपने एक लाइन खाली छोड़ा करनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर वो लाइन हमारी नहीं ऐड होगी, एसोसिएट के प्रॉफिट का हिस्सा। अभी आप फील करें कि हमारी सेल, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, हमारी सब्सिडरी की सेल, हमारी सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल, ये लाइन बाय लाइन ऐड हो रही है। ओके, इनकम टैक्स जी 1,750। ये करने के साथ ही आपने दो वर्किंग ओपन कर लिया करनी है, वर्किंग 5 और वर्किंग 5.1। एस प्रॉफिट और ए प्रॉफिट। अच्छा, अभी आपको मेंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, दो वर्किंग्स हमारी और होंगी, वर्किंग 5.2 और 5.3। एस का ओसीआई और ए का ओसीआई। ओसीआई भी तो एक चीज है ना, रिवोल्यूशन सरप्लस टाइप चीजें, तो वो भी आने वाले दिनों में आनी है 5.2 और 5.3 के नाम से। फिलहाल तो हमारी एक ही वर्किंग ऐड हुई है, एक वर्किंग होगी एस प्रॉफिट, एक होगी ए प्रॉफिट। अच्छा, इस टॉपिक की ये ब्यूटी है कि इस टॉपिक में आपने साथ साथ परसेंटेजेस लगाते रहना है, तो 2000 को एज इट इज नहीं उठाना, साथ साथ परसेंटेज लगाते रहना है। इधर तो 1750 पूरा उठा लें, लेकिन 2000 को कितना उठाएं, साथ साथ परसेंटेज लगा के जी। एस का प्रॉफिट बोल दें 1750। ए के प्रॉफिट में आप अपना हिस्सा बताएं, ए का प्रॉफिट आपने पूरा नहीं लिखना, लिख सकते हैं ए प्रॉफिट ओवर शेयर, अगर आपने ज्यादा अच्छा लिखना है तो ए प्रॉफिट ओवर शेयर का लफ्ज लिख दीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ए का प्रॉफिट कितना है, उसमें कितना हमारे 500। अच्छा, शायद आपको याद हो कि वर्किंग 5 में हम ये नहीं देखते कितना हमारा है, वर्किंग 5 में हम ये देखते हैं कितना किसी के है, याद है? वर्किंग 5 में दूसरी साइड पर जो फिगर आती है, हम देखते हैं कितना किसी का है, क्योंकि वजह क्या होती है, इधर देखें कितना किसी का है, वजह क्या होती है, उसकी सारी चीजें डाल ली होती हैं हमने। सोचे हैं सब्सिडरी में ऐसे क्यों सोचते हैं, सब्सिडरी में हम ऐसे सोचा करेंगे कितना किसी के, और एसोसिएट में सोचा करेंगे कितना हमारा है। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, सब्सिडरी तो सारी उठा के आपने डाल ली है, तो जो किसी के वो उसको दे दें, एसोसिएट आपने सारी उठा के डाली नहीं, तो हमारे ऐड कर दें। तो ये दोनों की वर्किंग में हल्का सा फर्क है, तो ये तो पुराने जमाने की वर्किंग है, करा दें 1750/20% जी 3। जी कैरी डाउन आगे, इसका कैरी डाउन निकाल लें, कैरी डाउन 500। अब ये मैं नई लाइन ऐड करने लगा हूं ब्लू मार्कर से, जो के फॉर एसोसिएट है। इसका इंग्लिश का फिक्रा देख लें, कोई आसान सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये वो करेगा वर्किंग 5.1। कितने 500। चलें जी, वर्किंग 5 को आपको पता है कहां शो करना है, अभी एट्रीब्यूटेबल के बाद वर्किंग 5 को लिफ्ट करानी है। अभी जिस बात ही ना कि सर वर्किंग 5 कहां करनी है, कहा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो पुरानी चाल है ना अपनी भूलिएगा, ये भी थोड़ी देर 350 कहां जाना है, वो सबर एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग में जाएगा। तो मोहतरम, पेरेंट की सारी चीजें लाइन बाय लाइन ऐड होंगी, सब्सिडरी की सारी चीजें लाइन बाय लाइन ऐड होगी, लेकिन एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स हमारी इतनी इस काबिल नहीं है कि लाइन बाय लाइन ऐड करें, तो उसकी बजाय हम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को सामने रख के एसोसिएट को उस दर्जे की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जिस दर्जे की इंपॉर्टेंस हमने किसको दी है, सब्सिडरी को। तो एसोसिएट के लिए हम क्या कर देंगे, जितना उसके प्रॉफिट में हमारा हिस्सा है वो हम ऐड कर देंगे। वैसे तो उसने 2000 कमाया था, लेकिन 2000 में से मैंने फिलहाल सिर्फ कितना ऐड कर दिया 500। वर्किंग 5.1 हो सकता है पेपर में आपको करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली यहां पे 500 जरा 2000 जरा 25% वो भी चल जाएगा पेपर में, कोई मसला नहीं जी।
17,000 पांच सौ डाल के 6,000 4250 मोहतरम आप खड़े हो जाए जी। 4250 में मुझे मसला बताएं, एक मिनट वेल डन, आप मसला बताएं। 4250 में मसला कोई मसला नहीं, एसोसिएट का 500 इसमें पड़ा है, मुझे कोई मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं, ये तो मसला नहीं है। तो सादा सी बात है यार, व्हाट इज 4250, 15,000 माइनस 12,000 माइनस 1,000, ये पेरेंट किस प्रॉफिट इसमें पड़ा है? व्हाट इज 4250, 7,500 माइनस 5,000 माइनस 750 सब्सिडी का पूरा प्रॉफिट इसमें पड़ा है। एसोसिएट की बात कर लें, एसोसिएट का तो अल्लाह का शुक्र है 25% ही पड़ा है, तो इसके 4,250 में 500 की टेंशन नहीं। मसला बताएं क्या है, तो इस मसले को हम कैसे एड्रेस करते थे, इस मसले को एड्रेस करते हैं हमें 2 हफ्ते हो गए हैं, मसला बता दें कैसे एड्रेस करते थे। अगली एक हेडिंग डाल दें, क्या एटीट्यूड, तो वो मसला होता था उसको हम एड्रेस करते थे। तो इस 4,250 में मसला ये हुआ करेगा कि इसमें पेरेंट के पूरे प्रॉफिट्स पड़े हैं, नो प्रॉब्लम, सब्सिडरी के इसमें पूरे प्रॉफिट्स पड़े हैं, डेट इज द प्रॉब्लम, एसोसिएट का अल्लाह का शुक्र है हमारा हिस्सा पड़े, डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो नीचे वाली वर्किंग है ना, इसमें सिर्फ सब्सिडरी को छेड़ा करना है और उसका एनसीए वाला पोर्शन लाया करना है, तो वो वर्किंग्स तो हुई हैं सारी। एत्री ड्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स एनसीआर, एनसीए भी पेपर में पूरा लिखना है। 3,500 जी, 4,239 चले जी। अब आपने अटेंशन से 5 मिनट देने हैं ताकि P&L के फेस पर आने वाली सारी एडजस्टमेंट्स को हम 1 by 1 डिस्कस कर लें। एक एडजस्टमेंट हुआ करेगी पेपर में P2A सेल ऑफ स्टॉक या P2A या A2, अच्छा ऐसी कोई चीज पेपर में नहीं आएगी, A2S S2A ऐसी कोई चीज नहीं पेपर में आएगी, P2A या A2P। आगे बोले और एडजस्टमेंट्स बोलते जाए ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑन प्रॉफिट कर लेता हूं, लॉस ऑन प्रॉफिट P2A A2P। और एक एडजस्टमेंट और पेपर में आया करेगी, ये ना ये कंसोलिडेशन थोड़ी मजे की है, ये फाइनल अकाउंट की तरह नहीं है कि हजार किस्म की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें P2A A2P का चक्कर नहीं है, बस इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चलें जी, अब आप हजरात जो है वो मुझे राय दे दें, सिंगल एंट्री अप्रोच से चल रहे हैं, क्योंकि क्या बनाने लगे हैं, P&L बनाने लगे हैं। किसने बेचा, पी ने, किसने प्रॉफिट बुक किया, मुझे तो नजर आ रहा है यहां पी का प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, मुझे तो नजर आ रहा है यहां पी का प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो प्रॉफिट नजर आ रहा है। प्रॉफिट को उल्टा दें, प्रॉफिट को कैसे उल्टाएं, जीपी काम करके, जीपी काम ना करें, क्या कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, अच्छा इंक्रीज कर दें कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन किस फिगर से, वो मैं आपके तरह समझने के लिए कर रहा हूं। सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट एक लाइन आपने नहीं डाला करनी है, पीस शेयर, पीस शेयर, अच्छा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये जो फिगर आएगी ना ये वाली, इससे आपने कर दिया करने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। पहली वाली फिगर क्यों सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस नहीं करनी, थोड़ा सा सोच के मुझे बता दें। ये एक काम हम करते थे ना P2S में, वो काम जरा आपने मुझे बताने क्यों नहीं करना, पी ने बेचा तो पी ने सेल में डाला, ए ने खरीदा तो ए ने परचेज में डाला, अब ए की परचेज नजर नहीं आ रही ना, अब ए की परचेज नजर नहीं आ रही, तो मैं कहां से माइनस करूं। तो एक काम जो सब्सिडरी में करते थे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल को माइनस करते थे, हु इज सेलर, पी, हु इज बायर, किसने सेल में डाला, पी ने, किसने परचेज में डाला, ए की परचेज यहां नजर, जिस तरह डेटर क्रेडिटर कैंसिल नहीं हो सकते थे, इसी तरह सेल परचेज भी कैंसिल, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसिल नहीं हो सकेगा, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस कैंसिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने एक की चीजें उठाई हैं या दूसरे की भी उठाई हैं, एक की उठाई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये वाला काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो काम क्या करना पड़ेगा, किसने बेचा, पी ने, ये पी का प्रॉफिट है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, किसने प्रॉफिट बुक किया, पी ने, प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, सिंगल एंट्री अप्रोच से चलेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L, while preparing P&L.
एंड ए टू पी में भी यही चारों चीजें इधर आ जाएंगी। इस फिगर से क्या एंट्री होगी आप उधर देख लेते हैं। किसने बेचा, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए का प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, ए का प्रॉफिट नहीं है बताएं, नहीं नहीं कुछ नहीं कर, एक्सलेंट, ये पढ़ा हुआ यार ए का प्रॉफिट, इसको कम कर दीजिएगा, जहां पढ़ा हुआ ए का प्रॉफिट उसे कम कर दीजिएगा, तो ये ए का प्रॉफिट पढ़ा हुआ इसे कम कर दीजिएगा, तो इसे हम कर देंगे रिड्यूस प्रॉफिट्स इन वर्किंग 5.1, रिड्यूस प्रॉफिट इन वर्किंग 5.1, डेबिट लिख लें, जो जो भी लिख लें, प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट कम करना है, तो प्रॉफिट कम करने के दो तरीके हैं, अगर पी टू एस वाले तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देंगे, और अगर पी टू ए वाले, और अगर ए टू पी वाले तो किसने बेचा, किसने प्रॉफिट बुक किया, ये एक प्रॉफिट पड़ेंगे, इधर लाके एडजस्टमेंट प्रपोज किया करेंगे, किस नाम से, ए टू पी के नाम से, तो सिंगल एंट्री प्रोसेस चलेगा। अच्छा इधर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, इधर डेप्रिसिएशन इग्नोर करके नेट नोट से हम खेला करेंगे। अच्छा अब आप मुझे बता दें इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, सोच लें थोड़ा सा, किसने बेचा, किसने अदर इनकम में डाला, अदर इनकम वैसे मुझे नजर नहीं आ रही मजबूरों ने सवाल में, वैसे अगर अदर इनकम आ रही होती तो पी की नजर आ रही होती, अदर इनकम एस की नजर आ रही होती, अदर इनकम एसोसिएट की अदर इनकम नजर आ रही होती, किसने बेचा, किसने अदर इनकम में डाला, पी ने, कौन अदर इनकम से उल्टा दे, पी, तो इसे हम मुंह पे, यहां मुंह पे लाके डिक्रीज फ्रॉम, बोले बोले बोले, अदर इनकम, अदर इनकम में से कम कर दिया करेंगे। और अगली तो आप मुझे खुद ही बता दें, किसने बेचा, ए ने, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए का प्रॉफिट ये पड़ा हुआ है, तो इसमें से क्या कर दें, लेस कर दें, तो ये फिक्रा लिख दूं, रिड्यूस प्रॉफिट। इस टॉपिक में ना आपने डेप्रिसिएशन को अलग से लेके नहीं चलना, वो इमेटीरियल सी चीज है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड जरूर करेंगे, नेट गेन भी निकालेंगे, अभी मैं सवाल आपको कराऊंगा, लेकिन अदर इनकम और डेप्रिसिएशन अलग अलग उल्टाते थे मुझे याद है, पी एंड एल के मुंह पे आके, उस तरह उल्टाने की जरूरत नहीं है। और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ए प्रॉफिट में कम किया करेंगे, कुछ कुछ किताबों में वैसे एडमिन एक्सपेंसिस में एड हुई होती है, लेकिन आई ए प्रॉफिट में से कम किया हुआ, इसमें दोनों राय हैं वैसे, तो बस रिड्यूस, बोले 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 जल्दी, रिड्यूस प्रॉफिट, वैसे ए का प्रॉफिट ही रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमें दुख हो रहा है, तो इसलिए हमें जो दुख हो रहा है हम उससे मिलने वाली जो खुशी है उससे हमें होने वाला गम यहां रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि नेट खुशी यहां बुक हो जाए, तो वर्किंग 5.1, सो दैट इज ऑल। हाँ पी शेयर तो हर जगह लेंगे, पी शेयर यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे, यहां भी लेंगे, भी सवाल खुलते हैं मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो ये जी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, अगर आपने तस्वीर लेनी है ना, एक और चीज है, एज नहीं नहीं पीज शेयर ऑफ ए, बोले 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 हिम्मत करें यार, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड विल बी डिडक्टेड, बोले 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 ना, ये जिसमें हमने की हुई है सब्सिडरी में की हुई है, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड, अब हमें कुछ सबस किस्म का जो है वो सफा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सफेद सफा था पेरेंट का डिविडेंड, और रेड सफा था सब्सिडरी, सफेद सफा था सब्सिडरी का डिविडेंड, रेड सफा था पेरेंट का डिविडेंड, एसोसिएट भी तो रॉयल फैमिली भी तो डिविडेंड बांट सकते हैं, उसके लिए कोई सबस सफा हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, ये नोट कर लिया दानिश ने, सबस सफे कर लेंगे, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अदर इनकम इफ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इफ रिकॉर्डेड बाय, बोले 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 पी, अगर पी ने वो रिकॉर्ड कर लिया, तो ये बस पेपर में आपको 5-6 एडजस्टमेंट्स आया करेंगी। पेज 4 बनेगा, हैंड रिटन पेज 4, नोट कर लें पहले, 1-2 मिनट कैमरा उधर करो, तस्वीर खींच लें बस, वैसे हैंड रिटन पेज पे हुआ है, छोड़ो यार छोड़ो, परे इधर देख लें, सेल ऑफ स्टॉक ए टू पी क्या करना है, डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट इन वर्किंग 5.1, अनसोल्ड प्रॉफिट जो फिगर होगी उस पर पीस शेयर,
पी टू ए, इधर से उल्टा लिखा हुआ है, जरा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, पी टू ए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि उसका प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, अगेन वही आंसर प्रॉफिट का पीस हियर लगा के, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ए टू पी, किसने बेचा है, ए ने, तो वर्किंग 5.1 में कम कर दे, तो डिडक्ट इन वर्किंग 5.1, नेट गेन जो होगा उस पे पीज शेयर लगा के, और पी टू ए वाला डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम, नेट गेन पे पी का शेयर लगा के, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 5.1, अगर अदर इनकम के अंदर पड़ा है तो फिर डिविडेंड को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या चीज वो भी देख लेते हैं, एक्सपेंसिस में से माइनस कर देंगे। अच्छा मोहतरम, अब आपके जहन में वर्किंग 5.1 का क्या फॉर्मेट, इधर से ना देखें, वर्किंग 5.1 का क्या फॉर्मेट बने, एक दो तीन, तीन चीजें यहां पे आया करेंगी वर्किंग 5.1 में, रिटर्न ही माना ए टू पी वाला स्टॉक फिक्स एसेट और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बता दें वर्किंग 5.1 में क्या क्या चीजें आया करेंगी, ए टू पी वाला स्टॉक, ए टू पी वाला फिक्स एसेट और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये कोई वर्किंग 5.1 का फॉर्मेट है, ओके ठीक है, गुडविल वगैरह नहीं निकलेगी यहां पे, यहां इंपेयरमेंट फिर इन्वेस्टमेंट की होती है, गुडविल की नहीं होती, चले मोहतरम अब हम टाइम जाया करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 करके, असूली तौर पे ये क्वेश्चन वैसे आपको होमवर्क में दे देना चाहिए, पीएनएल का सवाल कोई कराना बनता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो कर लेते हैं, एक सवाल करें जी पीएनएल का आज, हाँ जी मिलना नहीं मिलना, रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें सवालों में ना आएंगी, तो वन बाय वन, फिलहाल बस इतनी सी बात, फिलहाल इतनी सी बात बस। अच्छा भाई, आज के सवाल में मैंने वो बोली एडजस्टमेंट भी डाल दी है जो पेरेंट और सब्सिडरी की आपको भूल चुकी हुई है, तो वो एडजस्टमेंट्स वो हैं जो सऊदी किंग को हम कहते थे थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से शेयर ले लेना, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से डिबेंचर ले लो, वो जो चीज़ें आपको भूल चुकी हुई थी, प्रोफेशनल फीस वगैरह लॉयर को पे करते थे, वो सारी चीज़ें आज सवाल में डाल दी हैं ताकि पीएनएल के से सब्सिडरी का सवाल भी रिवाइज हो जाए। बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पी एंड एस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। अच्छा इसलिए कि उसका ये वाला प्रॉफिट ऐड कर लिया तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसी में से तो वो डिविडेंड बांटा है। अच्छा अच्छा मोहतरम, अब मुझे ये बताएं एक चीज, सब्सिडरी में कभी 3/12, 4/12 सारी फिगर्स पे करना पड़ता था, तो एसोसिएट में भी करना पड़ सकता है अगर एसोसिएट को हमने मिड ऑफ ईयर में खरीदा। अच्छा जी, पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एसेट स्टार्ट ऑफ ईयर, तो इन सारी फिगर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 9/12, 12/12। इन्वेस्टमेंट इन एस इज अपियरिंग इन पी बुक्स, ये तो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ना, बैलेंस शीट तो मुझे दी नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन एस तो बैलेंस शीट में नजर आती है ना, इन्वेस्टमेंट इन एस इज अपियरिंग इन पेरेंट बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1200 मिलियन, ओए होए होए, विच इंक्लूड प्रोफेशनल फीस ऑफ 50 इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल, फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज पेबल आफ्टर 4 ईयर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एस शेयर्स, एस के जो मैंने शेयर्स बाय किए हैं उसके मैंने पैसे 4 साल बाद कुछ और भी देने हैं, एंड इट इज स्टिल अनरिकॉर्डेड, ये वो जो डिसमेंटलिंग टाइप डिस्काउंट होता था या 4 साल बाद सऊदी किंग को इकट्ठे पैसे देने हैं वो डिस्काउंटिंग होगी, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%, शेयर कैपिटल इन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट वर 1800, ये प्री वाली रिटेन्ड अर्निंग दे दी है क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई और शेयर कैपिटल दे दी है। पीएनएल के सवाल में भी वर्किंग वन करनी जरूरी है, इसलिए कि पीएनएल के सवाल में वर्किंग वन दो वजह से करनी पड़ेगी हमें, एक तो अदर इनकम आ सकती है नेगेटिव गुडविल, और अगर पॉजिटिव गुडविल आई है तो उसका इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें वो फिगर चाहिए होगी, इसलिए पेपर में कहे ना कहे तो ये नहीं कहना सब्सिडरी में सिर्फ वर्किंग 5 करनी है, सब्सिडरी में वर्किंग 1 भी आपको हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे पीएनएल का सवाल हो चाहे बैलेंस शीट का सवाल हो। चलें लेट्स स्टार्ट, इन फिगर्स को नोट कर लें पहले, अच्छा एक चीज आपसे ऐसे ही पूछ, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब्सिडरी की चीजें मैं अगर लेके जा रहा हूं तो किसी को लेके ही बिल्कुल ना जाऊं, इसकी तो नहीं लेके जानी है, वो एक होता था ना मिड ऑफ ईयर में अगर हम खरीदते थे तो कुछ पुरानों की हैं कुछ नयों की हैं, वो वाला कभी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन वो स्टार्ट ऑफ ईयर में नहीं खरीदा होगा, अभी तो अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट ऑफ ईयर में खरीदी है तो ये तो सारी चीजें हमारी हैं,
बताएं जी सेल 10,000 4800 4500 आगे बोले जी जी अदर इनकम 500 प्लस 200 आगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 27 प्लस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन और सेलिंग और एक खर्चे होते हैं फैक्ट्री के वो होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में आगे फाइनेंस कॉस्ट जी 750 प्लस 100 आगे पीबीटी नहीं पीबीटी के नीचे ना आप पीबीटी से ऊपर आपने एक लाइन छोड़नी है ये आज के पास याद रखना है इस लाइन की हेडिंग बता दें क्या है जल्दी जल्दी नहीं नहीं वो तो है असल में यहां पे लाइन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट अच्छा जी यार ये देखें ये जो पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पैकेजेस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेल देख लें यार सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन अदर एक्सपेंसेस अदर इनकम फाइनेंस कॉस्ट ये इन्वेस्टमेंट इनकम छोड़ें क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स आपने ये लाइन उन्होंने किसके ऊपर डाली हुई है पीबीटी के ऊपर डाली है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स और उसके बाद फिर पीबीटी आया टैक्स आया प्रॉफिट फॉर द ईयर आया अगली हेडिंग क्या डाली है प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी बाबा जी रशीद और बाबा जी अकरम होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो ये 278 वाली फिगर इधर आई है और इस दोनों में क्या कर दिया तकसीम कर दिया ठीक है तो ये आप बड़ी बड़ी फिगर से लोगों की बड़े होकर खेला करेंगे और पता नहीं क्या करा करेंगे ऑडिटर आके फिर आपकी फेंटी लगाया करेंगे कि ये क्या फिगर्स निकाली है आपने तो ये एंट्री सीख लें अभी वरना फिर आपने बड़े होकर पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या करना है सही सही हुआ करेगा सब कुछ 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट बाई देन अकाउंटिंग में एब्सोल्यूट एश्योरेंस है पूरा सवाल सही हो सकता है 100% मार्क्स ये रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं अकाउंटिंग आप डेटा डेबिट सेल क्रेडिट कैश डेबिट डेटा क्रेडिट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट डेप्शन डेबिट कमेंडेशन क्रेडिट अब ये चार एंट्रीज में आप कह दो इन चार एंट्रीज में रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं हो सकता है कोई चौथी गलत होगी जो पेड़ मारे बना तो अकाउंटिंग में तो सीधी सीधी चीजें इसमें कहां से रीजनेबल एश्योरेंस आ गई ओके चलें जी शुरू करें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी है एंड तक सारी एडजस्टमेंट करनी है तो पी एक्वायर्ड 80% ऑफ कुछ रह गया था चलो वो लिखवा दो हाँ उसकी मैंने जगह छोड़ दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट इनकम टैक्स 700 और 500 अच्छा टैक्स की एडजस्टमेंट्स ना आपको नहीं आया करेंगी क्योंकि टैक्स पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल में खुद देते हैं सब्सिडरी खुद देती है ग्रुप ने कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता इसलिए टैक्स में हम कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जगह छोड़ देते हैं एट्रिब्यूटेबल के लिए चलें वर्किंग वन खुलनी है मस्ट वर्किंग फाइव खुलनी है मस्ट वर्किंग 5.1 खुलनी है मस्ट बाकी वर्किंग्स कोई हमारी खुलेंगी तो वो वर्किंग 8 से ऑनवर्ड्स खुलेंगी उससे ऑनवर्ड्स चलेंगे पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एसेट स्टार्ट ऑफ ईयर इन्वेस्टमेंट इज एसेस अपीयरिंग इन बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1200 मिलियन एडजस्टमेंट अकाउंट वर्किंग 1.1 Investment in S as per question. Investment in S is appearing in books at a cost of 1200. ये वो बैलेंस हुआ है जो बैलेंस शीट के ना मुंह पे नजर आ रहा होता था पेरेंट की किताबों में 1200 which includes professional fees of 50 incurred on acquisition of SL. एक मिनट देख लेने दे तो ये खर्चा है भाईजान ये इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ा होना चाहिए इसको आप डिडक्ट कर दें प्रोफेशनल फी और इसकी फिर रेक्टिफाइंग एंट्री भी करें असल में गलती से इन्वेस्टमेंट्स में उसने डाल दी हुई है तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने आपको बताई थी एक्सपेंस डेबिट और बोले 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 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट
और अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो सीआरई डेबिट। चलें जी, 50 रुपए की एंट्री देखें, एक्सपेंसेस डेबिट। हाँ, ये एक्सपेंस यहां पे आएगा। किसी ने पूछा ये क्या है, पेरेंट ने जवाब दिया मैंने सब्सिडरी को इस साल खरीदा, ये लॉयर को पैसे दिए हैं, खर्चा है मेरा, गलती से इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा हुआ था। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करें, ये हो गई बस 1200 माइनस चार्ज, इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिट हो रही है और क्या हो रहा है, तो ये डबल एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। यहां तक नोट कर लें जिसका जितना रहता। नेक्स्ट, भैया क्या करते हैं आप हजरात, अगर कभी घर में बैठे हो मिसाल के तौर पे, अब चाय पीने को दिल चाह रहा है, चीनी नहीं पड़ी हुई, चीनी लेने चले जाते हैं या चाय को कुर्बान कर देते हैं, चीनी लेने चले जाते हैं, नहाने लगे शैम्पू नहीं है तो सिर्फ शैम्पू लेने चले जाएंगे, यानी कि 10 मिनट जाने में आने में, 2-3 मिनट दुकानदार से गप्पे शप्पे मारने में, कितने लोग इस तरह टाइम जाया कर रहे हैं इन दिनों में भी, हाथ खड़ा करें, दोस्तों के पास बैठे होंगे मोटरसाइकिल, निकलते निकलते घंटा लगा देंगे, यार कुछ नहीं रह गया, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर के 40 दिन की छुट्टियां होती हैं सीए फाइनल के पेपर्स में, और मुझे याद है एक दिन मुझे 40 दिनों में मजबूरी में 2 घंटे घर से जाना पड़ा था, बाकी मुझे नहीं याद पड़ा 40 दिनों के अंदर कोई 15 मिनट के लिए भी मैं घर से बाहर निकला हूँ नमाज पढ़ने के अलावा। तो कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है भाई, ये तो इस तरह नहीं काम चलेगा। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट होती थी, वालदा बल्कि कमरे में आके खाना दे जाती थी, तो बस यही था, बस कमरे के अंदर ही बस जिंदगी गुजर रही थी। तो चलें, विच इन इधर आए, फर्दर आ कैश कंसिडरेशन ऑफ, कुछ करना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर पाए खाने हैं तो कुछ खोएं, तो फर्दर आ कैश कंसिडरेशन ऑफ ₹1,000, घर वाले परेशान हो जाते हैं, अच्छा कोई नहीं उनको होने तो परेशान, फर्दर आ कैश कंसिडरेशन, परेशानी में कोई अच्छे स्टेप्स ले लें वो आपके लिए, फर्दर आ कैश कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, आप खुश हो गया, फर्दर आ कैश कंसिडरेशन ऑफ ₹1,000 इज पेबल आफ्टर 4 years। जी मोहतरम, एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल, वैसे तो पेबल का लफ्ज खाली काफी है लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए डेफर करके पैसे देने हैं तो पेबल का लफ्ज भी काफी है। 1,000 आज देनी है या 1,000 4 साल बाद, तो जीआरवी यूजीआरवी या परचेज ऑप्शन को सिंपल डिस्काउंट आप करते थे, उसी तरह ये पैसे आपने देने हैं 4 साल बाद, 1,000 × 1.12 raised to power -4, 636 इन्वेस्टमेंट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल टू सऊदी किंग क्रेडिट। इस एंट्री को यहां पे पोस्ट करना पड़ेगा, 1150 बैलेंस आया हुआ है, इस एंट्री को पोस्ट कराएं, 636 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैलेंस शीट से सवाल ने मांगी नहीं, बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट लाइबिलिटीज में पेबल 636, ये मैंने ऐसे ही जरा रफ वर्किंग में कर दिया, ये डबल एंट्री हो गई, मुझे अगली एंट्री पोस्ट कर लेने दें, फिर मैं नोट करने का टाइम, ये पैसे अभी तक अनरिकॉर्डेड है जो 4 साल बाद, एक एंट्री आगे पड़े बगैर 12% की फिगर आगे पड़े बगैर, ये हमने सब्सिडरी को खरीदा कब है, स्टार्ट ऑफ ईयर, तो ये वादा कब किया था कि 4 साल बाद पैसे दूंगा ऑफ द ईयर, लेकिन जब मैं ईयर एंड पे आ गया तो ये वादा अब मैंने पूरा करना है, इसमें 1 साल गुजर गया है तो मैंने लाइबिलिटी को ग्रो करा के 1,000 पे लेके जाना है, जिसे मैंने डिस्काउंट करके 636 पे बुक किया है, उसका डिस्काउंट मैंने खोलना है, अंग्रेज कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को खोलें ताकि 636 हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता 1,000 पे चला जाए, लेकिन ये पोस्ट एक्विजिशन टाइप चीज है तो इसलिए इट विल नॉट हिट इन्वेस्टमेंट या वर्किंग वन, इट विल हिट पीएनएल, सीधे पीएनएल के अंदर जाएगी। तो अगली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, 1,000 की जरूरत नहीं, 636 12% 76 डन। अच्छा यार एक चीज देखिए, मुझे एक चीज,
नहीं, एक मिनट इधर देखें, एक चीज ये भी मैंने आने वाले दिनों में आपको बताने हैं, 1000 × 1.12⁻⁴ वर्सेस 1000 × 1.12⁻³, क्योंकि अब 3 साल रह गए ना पेमेंट को, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो भी 76 आ रहा है। मैंने तो 636 में 12% लगा दिया ना, ये आसान तरीका है, ये एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीका भी है इसका, तो करके देखें इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, 1000 × 1.12⁻⁴ वर्सेस पहले 4 साल रहते थे पेमेंट करने में, अब कितने साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो इन दोनों का जरा डिफरेंस निकाल के देखें साल में कितना फर्क पड़ा है, 76। ये भी तरीका है, आने वाले दिनों में इस तरीके को हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल पीवी पे रेट लगाने हैं या फ्यूचर वैल्यू पे रेट लगाने हैं, एक्सेलेंट, पीवी पे रेट लगाने, फ्यूचर वैल्यू पे दोबारा रेट लगाने, गलती से फ्यूचर वैल्यू तो 1000 पे 12% ना लगाइएगा, पीवी पे रेट लगाना है। इस एंट्री को मैं इन्वेस्टमेंट्स में प्लस करके पोस्ट करूं या माइनस करके, कुछ भी नहीं, एक्सेलेंट। इस 76 रुपए को मैं वर्किंग वन में इन्वेस्टमेंट्स में पोस्ट करूं या ये अगले साल की बात है, यानी कि हमारे साल में यकम जनवरी के बाद वाली बात है ना, तो इट हैज नथिंग टू डू विद वर्किंग वन, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो फिर सीआरई को डेबिट करते, वो जमाना भी आना था, एक जमाना था सीआरई बाहर होती थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अंदर शो हो रहा होता था, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बाहर आ गया क्योंकि पीएनएल का सवाल है। डबल एंट्री पूरी करें, फाइनेंस कॉस्ट में आके फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, ये छोटी सी बैलेंस शीट जरा बना लें साथ ही। अगले साल 636 पे नहीं होगा, कंपाउंड होगा, अगले साल मैंने बताया था 636 जमा 76 पे होगा, और फिर अगले साल 636 जमा करके होगा, तो उसका शॉर्टकट ये वाला था जो इधर मैंने बताया, जो आने वाले दिनों में यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमने सब्सिडरी को खरीदा होता यकम फरवरी को तो क्या करते, एक्सेलेंट, इसको 11/12 कर देते। अगर किसको खरीदा होता सब्सिडरी को, कब, यकम फरवरी को, इस सवाल में कब खरीदा था, स्टार्ट ऑफ ईयर। चले जी, डबल एंट्री देखें सारे, देखें इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल, ये डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, अगली एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, और अब बैलेंस शीट में कितनी नजर आई, 7/1 हजार पे नहीं नजर आ रही क्योंकि अभी 4 साल नहीं हुए, दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल के एंड पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चौथे साल इसको किस पे ले जाएंगे, 1000 पे ले जाएंगे, 712। मुझे ये बात पता है कि आपको ये दो एंट्रीज आती थी, लेकिन ये भी मुझे पता है पीएनएल के मुंह पे ये दो एंट्रीज पहली दफा पोस्ट की हैं हमने, ये वाली 50 रुपए वाली जो प्रोफेशनल फीस पे की है, कोई पूछने वाला पूछे तो आप बताने के काबिल तो ना, ये 50 जी वो इस साल हमने सब्सिडी को खरीदे, तो इस साल हमने सब्सिडी को खरीदने के लिए लॉयर को पैसे दिए थे, हाँ अच्छा अच्छा ये तो आपका खर्चा है कंसोलिडेशन के एंगल से। आगे चलें, इस 76 रुपए जल्दी जल्दी, ये क्या था, हमने लाइबिलिटी बुक की हुई थी और अब लाइबिलिटीज हमारी ग्रो कर गई हैं, उसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़े, तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब यहां पे ना इसको क्लोज कर दें, क्योंकि इसको और आगे चलाया तो खतरा हो जाएगा, इसको क्लोज कर दें। इसमें इधर देखें सारे, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, क्योंकि 1200 में तो लॉयर फीस भी थी ना, तो इस 1150 का नाम क्या है, थोड़े से पैसे ले लो, लॉयर फीस माइनस होगी, अल्लाह का शुक्र है, ये वो पैसे हैं जो सऊदी किंग को दिए हैं, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, उनकी पीवी बुक की है 1786 जी, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग बता रहे 4000 1800। अगर 4000 1800 ना देता और फिर भी चाहता कि मैं एडजस्टमेंट अकाउंट बनवाऊं तो पेपर में क्या देता, एक्सेलेंट, फिर इतना नेट एसेट्स की वैल्यू, तो ये 4800 हो गया। देख लो आगे सरप्लस सरप्लस तो कोई नहीं है, नहीं सरप्लस सरप्लस कोई नहीं है, गुडविल निकाल देंगे, एनसीए प्रोपोर्शनेट बेस पे है, नीचे देख लो मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू नहीं दी कहीं, नहीं दी ना फेयर वैल्यू 5800 × 20% 1 1 इट हैज नथिंग टू डू विद पीएनएल क्वेश्चन, ये वर्किंग फोर में जाएगा और आपको पता है वर्किंग फोर का कैरेट ऑन बैलेंस शीट में जाता है, तो इसकी डबल एंट्री आप करने की जरूरत नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद पीएनएल और विद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इसको लेके जाना, इट हैज नथिंग टू डू विद पीएनएल, ये वर्किंग फोर में जाएगा और वर्किंग फोर ना जानी होती है बैलेंस शीट में। अच्छा जी, गुडविल पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव गुडविल। एंट्री बोले एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट सीआरई क्रेडिट, अगर बैलेंस शीट का सवाल है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कितना जी,
2854 अदर इनकम 2854 अगर क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये देखें ये चीजें पेपर में फिर आ जाती हैं फिर परेशान होते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वर्किंग वन में अदर इनकम निकले लेकिन फिर भी P&L के मुंह पे ना जाए? अदर इनकम निकले, मैं पॉजिटिव गुडविल नहीं कह रहा, अदर इनकम निकले लेकिन P&L के मुंह पे ना जाए, कौन बोला जी? एक्सलेंट। अच्छा जी, ये होता है भाईजान फॉर द ईयर, आप बता रहे हैं P&L फॉर द ईयर होता है, आप बता रहे हैं हमने सब्सिडी को स्टार्ट ऑफ ईयर पे खरीदा है, तो ये अदर इनकम किस दिन आई है हमें? हमारे साल के पहले दिन। अगर हमने सब्सिडी को पिछले साल खरीदा होता तो फिर शायद बैलेंस शीट का सवाल करते हुए मैं इसको CRE में लेके जाता, लेकिन जब P&L का सवाल करता तो मैं कहता सारे डेटे में से फॉर द ईयर टाइप चीजें उठाने की कोशिश करें, एज ऑन टाइप चीजें उठाने की कोशिश ना करें। तो ये अदर इनकम फिर इस साल आती या पिछले साल आई होती? अभी ये अदर इनकम कैसे इस साल आई है? स्टार्ट के अंदर हमने, अगर पिछले साल खरीदा होता, जिस तरह सब्सिडी के एसेट की डेप्रिसिएशन होती थी, चार साल की होती थी, एक साल की P&L में ले जाते थे, तीन साल की नहीं बैलेंस शीट में लेके जाते, बैलेंस शीट में चार साल की ले जाते थे, चार साल की बैलेंस शीट में ले जाते थे और उसमें से एक साल की निकाल के कहां ले जाते थे? P&L में। तो फॉर द ईयर टाइप चीजें जाती हैं। ओके, मजे का सवाल है। PA acquired 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ A ऑन जकम अक्टूबर 16। काफी पुराना खरीदा हुआ है, काफी पुराना खरीदा हुआ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से जकम जनवरी नहीं है, ये जो यकम अक्टूबर 2017 में हमने सब्सिडरी को खरीदा था वो तो वैसे ही बीच में बात आ गई, दिसंबर ईयर नहीं है। अच्छा जी बताएं, एसोसिएट को इस साल खरीदा कई साल पहले खरीदा? इस लाइन का मतलब और कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि इस प्रॉफिट को 2/12 3/12 नहीं करना, ये पूरा प्रॉफिट आपका है। ओके, बी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 500 टू एस सम इयर्स बैक, इंटरेस्ट चार्जेस 10%। बताएं जी, बी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 500 टू एस सम इयर्स बैक, इंटरेस्ट चार्जेस 10%, 500 × कितना? 50। तो पेरेंट ने कहां डाला होगा? जब भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में खामोश एंट्री सही हुई है, पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम में डाला होगा और सब्सिडरी ने फाइनेंस कॉस्ट में, कितना? -50। अच्छा अच्छा यार, अगर थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है ना आपको, तो एक काम मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, इसके साथ थोड़ा सा लिख लिया करें, ये एडजस्टमेंट 1 से आई है, कहीं घर जाके परेशान ना हो रहे हो, ये एडजस्टमेंट 1 से आई है तीनों चीजें। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 से उठाने लगा मैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 से कितना माइनस करना है? पेरेंट की अदर इनकम में से माइनस कर दें और सब्सिडरी की फाइनेंस, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? 3 फाइनेंस कॉस्ट, ये एडजस्टमेंट 3 है। पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, पेपर में भी एग्जामिनर को फैसिलिटेट आप कर सकते हैं, अगर ज्यादा इस तरह की फिगर्स आ रही हैं एग्जामिनर को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। सम ईयर्स बैक है लेकिन इस साल तो फॉर द ईयर कैंसिल करेंगे ना, इस साल तो फॉर द ईयर वाला पड़ा होगा आपस में, ऐसा ही है ना? अगर पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया तो हर साल ये एंट्री हो रही होगी, हर साल ये एंट्री हो रही होगी, लेकिन हर साल के P&L में कैंसिल वही होगी जो इस साल के P&L में हुई है। अच्छा, इस तरह की एक और एडजस्टमेंट भी होती है, वो बता दें, मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। अच्छा, ये जो दो एडजस्टमेंट्स है ना, ये दो एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस, ये दो एडजस्टमेंट्स आपने कभी वर्किंग 5 में नहीं लेके जाने, क्योंकि ये सेम अमाउंट से कैंसिल होकर अपना रोल प्ले कर देती हैं। वर्किंग 5 में जो चीजें जानी है वो वही हैं जो हम काफी अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, अभी सजेस्टमेंट को मैं थोड़ा सा बदलने लगा हूं, आपने मुझे ट्रीटमेंट बतानी है, हिम्मत हौसला जज्बा, कौन बोले? आपने जिस तरह मैं बदलने लगा हूं उसका जवाब दिया नहीं, जो जस्टमेंट मैं बदलने लगा हूं उसको जिस तरह मैंने बदलना है और फिर आगे उसने आपने कंक्लूजन बताया, ये जो आपने बोला कुछ नहीं है, जज्बा नहीं है, मैंने समझा जो मैं एडजस्टमेंट चेंज करने लगा हूं इसको वो पता चल गया और इसने उसका जवाब बताया तो मैं इसमें नाम निकाल के देने लगा था और ये डर रहा था। अच्छा बताया नहीं था, जिस तरह देख रहे थे उस तरह तो नहीं लग रहा था। अच्छा अच्छा जी, पी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 500 टू ए सम इयर्स बैक, इंटरेस्ट चार्जेस 10%, इसका पेपर में क्या करते हैं? इसका पेपर में क्या करते हैं भाईजान? ये जो एसोसिएट टॉपिक है ना, यहां डेटर क्रेडिटर भी नहीं काटने, अगर कुछ करना होता ना तो हैंड रिटन पेज पे मैं आपको बता देता, कुछ करना होता हैंड रिटन पेज पे मैं आपको बता देता। इधर बैलेंस शीट में आपने डेटर क्रेडिटर नहीं काटने, इधर आपने बैलेंस शीट में लोन रिसीवेबल पेएबल नहीं काटने,
इधर आपने बैलेंस शीट में मैनेजमेंट फी रिसीवेबल पेबल नहीं काटनी, इधर आपने पीएनएल के मुंह पे इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं काटना। अगर आपका दिल चाह रहा है कि पेरेंट एसोसिएट को लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो अगर आप सोचें कि मैं पेरेंट की अदर इनकम में से माइनस कर दूं, तो एसोसिएट की फाइनेंस कॉस्ट तो आपने ऐड ही नहीं की होगी, तो उसमें से माइनस कैसे करेंगे। तो वैसे ही ये बात आ रही है, पीएनएल वाले पेज पे ये बात लिखी हुई है, थोड़ी देर बाद आपको पढ़ा दूंगा। तो ये कैंसिलेशंस जो बराबर बराबर अमाउंट्स की होती हैं, बराबर बराबर अमाउंट्स की होती है ना ऑलमोस्ट, ये कहां होती हैं? ये सब्सिडियरी में होती हैं, एसोसिएट में होती हैं, सब्सिडियरी में होती हैं। बराबर बराबर अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट में कौन सी बराबर बराबर अमाउंट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं? डेटर क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल की मैनेजमेंट फी रिसीवेबल मैनेजमेंट फीस, ये जो आपस के रिसीवेबल पेएबल होते हैं ये सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में कैंसिल होते हैं। और एग्जैक्ट अमाउंट से दो चीजें आती हैं पीएनएल के मुंह पे सब्सिडियरी के सवालों में, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, ये आपस की ट्रांजैक्शंस हैं, ये दोनों सब्सिडियरी की कैंसिल होंगी। बट यही पांच छह चीजें जो मैंने बोली हैं किस केस में कैंसिल नहीं होंगी? एसोसिएट केस में। ओके, अगली एडजस्टमेंट। ओह, ये आई ना पहली एडजस्टमेंट हमारी नई, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर रुपीज 1000। अब दो वर्किंग्स खोल के रख लें क्योंकि उनको ना साथ साथ हमने यूज करना है, वर्किंग 5 और वर्किंग 5.1। जी एस प्रॉफिट मैंने साल के शुरू में खरीदा है तो कितने बटा कितने करके ऐड करूं? पूरा कितना? अच्छा, ये जो एसोसिएट वाला टॉपिक है ना, इसमें आपने सात सात परसेंटेजेस लगाते रहना है। ए प्रॉफिट कितने इनटू ये 30%? ये नहीं है क्योंकि तीन चार महीने है तो 3/12 सारा करेंगे, 30% हमारा हिस्सा है उसमें। 225। चलें जी, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर रुपीज 1000। पी टू ए वर्किंग नंबर 8। जी कितने की चीजें बेची? 1000। पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1000 एट द ईयर एंड ए स्टिल हैड 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री। 1/4 250। एंड प्रॉफिट एलिमेंट ऑन सोल्ड स्टॉक इज 200। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं थी, प्रॉफिट एलिमेंट दे दिया। कोई अन्य प्रॉफिट है 250 की चीज पे 200 का प्रॉफिट? यार ये सवाल को अगली बार सेट कर, इतना प्रॉफिट लूट नहीं मची हुई, 250 की चीजें उस पे 200 का प्रॉफिट कमाया। अच्छा चलो ठीक है, तो अब मोहतरम इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगाते रहने, इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगाते रहने, परसेंटेज लगा के अगली डिस्कशन करनी है। पीस शेयर, पीस शेयर। और यार इसकी मैंने लॉजिक बताई थी साथ साथ परसेंटेज लगाने की, ये पेरेंट है ये एसोसिएट है, एसोसिएट के 30% शेयर हमने खरीदे हुए हैं और 70% शेख रशीद ने खरीदे हुए हैं। तो पेरेंट ने अगर असल में एसोसिएट को चीजें नहीं बेची, शेख रशीद और अपने आप को बेची हैं, तो जब इसने शेख रशीद को चीजें बेची हैं तो रियलाइज प्रॉफिट है, तो आपस का प्रॉफिट सिर्फ रियलाइज है। इस वजह से मैंने कहा था इसको 7% लगाएं, लगाएं जी 230%। अच्छा अब मैं डायग्राम मिटा चुका हूं तो जुबानी सोच लेते हैं, किसने बेचा है? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ये पी का प्रॉफिट 10,000 माइनस 4500 में पड़ा हुआ है, तो फिर नजर आ रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के जीपी कम कर दें। एरो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल ऑन द फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 60 रुपए, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 4। वेल डेट इज अ चैलेंजिंग एडजस्टमेंट, मैं दिल से अप्रिशिएट करूंगा, मैं बता रहा हूं लोगों को जो ये पॉइंट नंबर 5 कर दें, इसमें एसोसिएट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है एक। ये आई कैप में एक दफा टेस्ट हुई थी एडजस्टमेंट और 20-30-40% बच्चे इसको कर लेते हैं। चले जी, सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट पीस शेयर, ये सारा आप अपने रजिस्टर पे लिखें। हाँ ठीक है, 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट ले लें।
ये वो ना 10 रुपये और 12 रुपये की चीज बेची, आगे 12 रुपये की खरीद के 15 रुपये की बेची, वो जो हमारा डाटा है वो शायद आपको हेल्प करे। याद आ रहे, 10 का बिस्किट 12 का बेचा, 12 का बिस्किट 15 का बेचा, उस तरह का डाटा बनाएं पहले, फिर शायद समझ आ जाएगी एडजस्टमेंट। पीस शेयर आपने निकाल लिया, पीस शेयर कितने रुपए? 3 रुपए पीस शेयर मुझे बताएं, 3 रुपए एक्सेलेंट। भाई क्यों हाथ पांव हिलाएंगे तो होगा, ऐसे देखते रहने से कुछ चीज नहीं, बारह नहीं इसकी, इतना देख रहे हैं सारे। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए था कि आई विल अप्रिशिएट, फिर आप कहते हैं अच्छा तो कोई सांसी एडजस्टमेंट है, आई विल नॉट अप्रिशिएट, जल्दी कर दें। 3.6 ओए हो, फिरके बनते जा रहे हैं, एक फिरके ने 3 कहा है, एक ने 3.6 कहा है। हाइब्रिड में माइक पकड़ाएं, हाइब्रिड में माइक पकड़ाएं, जो हाथ खड़ा करे उन्हें प्लीज प्लीज। 3 और 3.6 वाला कोई फिरका उधर बैठा है तो वो बताए जल्दी से। हाँ जी, 3.6 या 3.6 ओके जी। और कोई नया फिरका उस क्लास में पैदा हुआ हो? 5.2 अपने को नहीं, 5.2 ओके। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80। ईच मंथ को भी मैं जरा इग्नोर कर रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80। ये सोल्ड वाली फिगर नहीं है, ए सोल्ड गुड्स फॉर 80। ए सोल्ड गुड्स फॉर 80 या कॉस्टिंग 80? कॉस्टिंग 80। अच्छा अब आप लोगों ने लगता है बिल्कुल ही कुछ और किया हुआ है। अच्छा, ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 82p एट कॉस्ट प्लस 20%। 80 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू, बट दिस 80 इज एट 100 टुडे, इट इज नॉट एट सेल प्राइस, दिस इज एट 100 टुडे। ये असल में लाइन मेन थी, ए सोल्ड गुड्स फॉर 80 नहीं, कॉस्टिंग 80। अब सेल मैंने निकालनी है, 80 अगर पड़ा हुआ है 100 पे तो मुझे कितना दे दो, उसकी परचेज में आ जाएगी ना, उसकी परचेज में आ जाएगी, ऐसा ही है। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80 एट कॉस्ट प्लस 20%। उसके बाद अगली बात मैं यहां नहीं कर रहा, ये मैंने आपके साथ समझाने के लिए की थी, ये पर मंथ कैलकुलेशन मैंने की है, एनुअल नहीं की। अच्छा जी, A to P sold 96 into 12 months 1152, unsold at year end 75% of goods purchased in September were included in stock of P। इसका मतलब है 1152 नहीं पकड़ना, इन सितंबर। इसका मतलब है कोई शायद फाइफो टाइप मेथड यूज हो रहा है, वो जो हमने हर महीने से चीजें बेच रहे हैं वो आगे बेची जा रहा है, हर महीने चीजें बेच रहे हैं वो आगे बेची जा रहा है, अनसोल्ड आखिरी महीने वाली सेल में से पड़ी हुई है। जादू हो जो सर चढ़ के बोले, वो क्या जो पांव पांव में घूमता रहे। अच्छा 96 जरा हमें आदत पड़ी हुई है 1152 से खेलने की, 1152 से हमने खेला तो उसने हमारे से खेल लिया 72। अच्छा अनसोल्ड का प्रॉफिट उसी तरह निकालेंगे, ये अब सेल पे पड़ा हुआ है, ये 96.72 से निकला है, सॉरी 72.96 से निकला है, चूजा अंडे से निकला है, 72.96 से निकला है, 96 सेल प्राइस है, तो 72 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ गया 12। और पीस शेयर बारह इंटू 30%। यार वेल्डन आई रियली। अच्छा ये जिन्होंने 3.6 निकाले, कहाँ ट्यूशन पढ़े हो, खड़े हो जाओ, पहले सवाल पढ़ा हुआ है,
FR2 पहले पड़ी हुई है, और किसने 3.6 निकाला है? वेल डन। अच्छा किसी और तरीके से पहुंचे थे लेकिन पहुंच गए थे। अच्छा डायरेक्ट 3.6 निकाला है, चलो ठीक है, जो भी हो ये फिगर्स इसी तरह आनी चाहिए थी सारी। अब मुझे ये बता दें कि हमने सिर्फ किसको लेके जाना है, लाल को, हमने सिर्फ लाल को लेके जाना है, पीस शेयर। चलें जी एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लें, क्योंकि कई दफा जहन इधर उधर होता है तो शायद कुछ ने गौर से सुना ना हो। इस साल हर महीने ए ने 80 वाली चीजें पी को 20% डाल दी, तो फिर 80 वाली चीजें शामिल की बेची होंगी 20% डाल के। तो पहला था, इस 80 को आपने 100 पे डिवाइड करना था। अगली बात, ये इसने परचेज में डाली होगा, हर महीने बेची है तो ये हो गया, इसकी 75% नहीं बची, बल्कि ज्यादा लॉजिकल सवाल है कि हर महीने वाली बिकती रही होंगी, आखिरी महीने वाली सिर्फ 75% अभी तक अनसोल्ड है, आगे तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ जैसे मर्जी पहुंचो। अच्छा एक ना किताब के अंदर सफा है, वैसे पता नहीं अब आपको कभी जिंदगी में टाइम मिले या ना मिले, ये एक मिनट, ये टाइम मिले या ना मिले, ओहो यहीं पे आप ये सफा नंबर लिख लीजिएगा इस पेज के ऊपर, यस ओहो किधर है यार, हद होगी, हाँ ये पेज 28 में ना, नहीं नहीं किताब में, ऐसे ही बता रहा हूँ, डिफरेंट वेज हैं जिसमें सेल ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट टेस्ट होती है। तो ये पास्ट पेपर में अगर मैंने देखा एक दफा, पास्ट पेपर में ये 6 तरीके से टेस्ट हुई भी है। एक तरीका आज हमने देखा, अजीब सी अंग्रेजी थी, एक तरीका स्केप्टिक और वाले सवाल में होमवर्क में देखा था, जहां से थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई थी। तो अगर एस टू पी, और ये वो चीज होती है जब आप आखिरी दिनों में रिवीजन करने बैठते हैं, तो आप सारे पास पेपर के सवाल जब एक गो में करते हैं, तो आपको पता चलता है इस सवाल में एस टू पी वाली एडजस्टमेंट ऐसे थी, इसमें ऐसे थी, इसमें ऐसे थी। तो ये वो 6 तरीके हैं जिससे आईकैप जो है वो इस एडजस्टमेंट को टेस्ट करे। आगे मैंने सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट और वो सारी चीजें भी बना दी हैं, ताकि अगर आपको कभी टाइम मिले तो ये 6 तरीके आप रिवाइज कर लें। ये पेज नंबर 28 है, ये आप इसी 0.5 के साथ पेज नंबर 28 लिख लें इस कॉन्सेप्ट की फर्दर रिवीजन के लिए। असल में इस वक्त आपके लिए ये चीजें मसला नहीं है, इस वक्त आपके लिए मसला है किस तरह अंग्रेजी दे रहे हो। और मैं आपसे अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना लॉजिक बताई जा रही है उतनी चलें, बस 7-7 परसेंटेज लगाते रहें। अब आप अगर इस चीज में मेरे से डिस्कशन करें 7-7 परसेंटेज क्यों लगाएं और वो मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, तो मेरे ख्याल से हम टाइम जाया कर रहे होंगे। इससे बेहतर है ये एडजस्टमेंट की अंग्रेजी पेपर में किस तरह आती है उसके ऊपर फोकस कर लें। आगे चलें जी, पॉइंट नंबर 6 इसको पोस्ट कर दें। किसने बेचा, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए ने। ये शायद वर्किंग नंबर 9 थी हमारी, किसने प्रॉफिट बुक किया, ए ने। ए का प्रॉफिट तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल नजर नहीं आ रहा, क्या करें, ए का प्रॉफिट ये नजर आ रहा है, तो यहां से अब 7-7% नहीं लगानी, लगी हुई है, बस इस 3.6 को बुलाना पड़ेगा। ए टू पी 3.6, उधर देखो कैमरा, सिंगल एंट्री अप्रोच चलेगी पी एंड एल के सवालों में। चलें जी, ऑन 1 जुलाई 2018 ए सोल्ड इक्विपमेंट टू पी, ए सोल्ड इक्विपमेंट टू पी, गेन बताएं, डेप्रिसिएशन से नेट करें, नेट गेन बताएं, और नेट गेन बता के पीस शेयर लगा दें, करें। ये किसने बेचा, नहीं अभी वो पिछले वाला, किसने बेचा पिछले वाला, ये नहीं जो आप पिछले एडजस्टमेंट उसकी बात कर रहे हो ना, किसने बेचा, पी ने, ए ने बेचा वर्किंग 9 में, किसने बेचा, किसके प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, एक है, ये उल्टा दिया सिंगल एंट्री प्रोसेस से। अच्छा किसने खरीदा,
तो उसकी बैलेंस शीट का जब सवाल करेंगे तो कर देंगे माइनस वन। ओके, तो पीएनएल को भाई सिंगल एंट्री प्रोसेस से लेके चले। 5 जुलाई 2018 ए सोल्ड एंड इक्विपमेंट, प्लीज प्लीज सिंगल एंट्री के तवाज से चीजों को सोचिए, डबल एंट्री के तवाज से ना सोचिए, डबल एंट्री के तवाज से सोच रहे थे परेशान हो गए थे। 5 जुलाई 2018 ए सोल्ड एंड इक्विपमेंट टू पी एट अ गेन ऑफ 200 रिमेनिंग लाइफ ऑन द डेट इज जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने की रिकॉर्ड करनी है। गेन कितने? 200 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3/12 25 बस ठीक है, 6 कर दें 194। अच्छा जी इस पे परसेंटेज लगाएं, 194 इंटू 58। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? अच्छा ए की अदर इनकम यहाँ नहीं पड़ी हुई, ये पी की अदर इनकम है या ये एस की अदर इनकम है? ए की अदर इनकम यहाँ पड़ी नहीं हुई, तो क्या करें? परसेंटेज लगी हुई है, परेशान नहीं होना, परसेंटेज साथ साथ लगा रहा था मैं, इसलिए अजनेस 58 लिख दें। एक्ट 30 सितंबर 2015 इट वॉज डिटरमिन्ड दैट इन्वेस्टमेंट वॉज इम्पेयर्ड बाय 150 इन्वेस्टमेंट वॉज इम्पेयर्ड बाय 150 ऑफ विच 50 इज ऑफ करंट ईयर। तो बाकी 100 तो बैलेंस शीट के सवाल लोग के एंगल से सोचेंगे, 150 का करना है तो अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो 150 की एंट्री करते, सीआरई डेबिट, नुकसान डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पूरे 150 से, बैलेंस शीट के सवाल में ये करते। लेकिन बैलेंस शीट के सवाल की एडजस्टमेंट को वो टुकड़ा रिलेट कर रहे हैं, इसको सिंगल एंट्री प्रोसेस लेके चलना है, इसको सिंगल एंट्री प्रोसेस लेके चलना है, वर्किंग 5.1 में लेस कर देना, इसको डबल एंट्री से लेके चलना। बैलेंस शीट में लिखने 150 की एंट्री होगी, बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं, पीएनएल के मुंह पे 50 रुपए की एंट्री नहीं होगी, मुंह की बजाय वर्किंग 5.1 में लेस हो जाएगा। चलिए जी, अगर आपको एसोसिएट प्रॉफिट दे रही है तो इधर से इंपेयरमेंट हो गया, नुकसान भी दे रही है, लॉस इधर आया करेगा, पीएनएल के मुंह पे नहीं आएगा, डबल रिकॉर्डिंग नहीं कर देनी कोई 50। तो ये तीन ऐसी फिगर्स हैं भाईजान, इधर देखें सारे, ये आपको पीएनएल के मुंह पे नजर नहीं आया करेंगी, बल्कि इस फिगर में से नेट होके भी पीएनएल के मुंह पे चली जाएंगी, तो ये तीन फिगर्स पीएनएल के मुंह पे नहीं लेके जानी, सिंगल एंट्री प्रोसेस लेके चलना। इसके ऊपर परसेंटेज नहीं लगानी, ये हमेशा हमारी इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट होगी। आखिरी पॉइंट, इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ पी, इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी इज इट्स शेयर, ग्रीन सफा हमारे पास नहीं है इस वक्त, इज इट्स शेयर ऑफ ग्रीन रजिस्टर का गत्ता फाड़ के देने लगे कोई फाड़े। अच्छा, इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ पी इज इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए अनाउंस्ड इन इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 50 ऑन 30 जून 2018। ये 50 है, ये 50 का 30% है, ये सफा 50 है या 50 का 30% है, ये 50 है या 50 का 30% है? अच्छा मुझे बताएं, हमें 50 मिला होगा या 50 का 30%? 50 का सिर्फ जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, कितने परसेंट? 30%। इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पेरेंट, इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पेरेंट इज इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ए, ए ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया? 50 रुपए एज ऑन 30 जून 2018। 30 जून 2018 के साल में इसने, 30 जून 2018 के दिन, ये मेरे ख्याल से इंटरिम डिविडेंड होगा, 30 जून 2018 को जो अनाउंस हो रहा है ऐसे ही है ना लिखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड होगा। तो आप बता दें पूरा 50 माइनस करूं या उसमें हमारा हिस्सा माइनस करें? पूरे 50 पे तो हमने कब्जा कर लिया होगा, फुट नोट में एक लाइन डाल दें, इतने फुट नोट में डालें कि नजर भी ना आए, फीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। अच्छा भाई ये डिविडेंड माइनस क्यों होता है पहले तो ये बता देना, ना 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 सारे इधर देखें, सब्सिडियरी के सेल कॉस्ट और सेल वगैरह डाल लिए तो दोबारा डिविडेंड क्यों डाल रहे हो, माइनस करो, सब्सिडी का डिविडेंड इसलिए माइनस करते थे, और एसोसिएट की सेल कॉस्ट और सेल की बजाय उसके प्रॉफिट का अपना हिस्सा जब डाल लिया तो डिविडेंड दोबारा डाल रहे हो, तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड जाता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंस्टेड ऑफ डिविडेंड क्या जाता है, उसका पूरा प्रॉफिट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार याद रखिएगा, डिविडेंड इस 1000 में से बांटा जाता है और इस 750 में से बांटा जाता है, आपको याद है पैट होता है, पैट में से रिटेन्ड अर्निंग माइनस वो डिविडेंड माइनस हो जाता है, डिविडेंड इनमें से बांटा जाता है,
अब अगर डिविडेंड इनमें से बांटा गया है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कंसोलिडेटेड में तो हम ये सारा उठा के ले आए हैं, और कंसोलिडेटेड में हम ये सारा उठा के ले आए हैं, तो कंसोलिडेटेड में जब सेल कॉस्ट और सेल वगैरह सारी चीजें आ गई तो डिविडेंड आ जाएगा, तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली वहां से जब प्रॉफिट आ रहा है सारा, तो प्रॉफिट इंशाल्लाह इधर लाइन के तौर पर डाल देंगे, तो प्रॉफिट भी पड़ा, डिविडेंड भी पड़ा होगा। आपको पूछेगा ये डिविडेंड कौन सा है, आप कहेंगे जो उस प्रॉफिट में से आया, तो ये प्रॉफिट कौन सा है, वो उसमें ये डिविडेंड पड़ा है, तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। इसलिए ये दो एडजस्टमेंट्स आसान सी हैं, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड एंड पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अगर अदर इनकम में पड़ा हुआ तो हमेशा माइनस करना है। कितना है माइनस अदर इनकम, एडजस्टमेंट नंबर टोटल नहीं यार, कोई लाइन नहीं रहती। हाँ हाँ वो तो टोटल्स करने में फिर आ जाएगा ना, लाइन बिल्कुल रहती है। टोटल से मरा दे, यहां से करें वर्किंग 5 करें, 5.1 करें, वर्किंग 1 मुकम्मल हो गई। टोटल से मरा दे, वर्किंग्स के टोटल पहले पूरे कर लें। ये क्यों खाली खाली आज हमने रखा है, क्योंकि इसकी रिवीजन हो चुकी है काफी, 1000 × 20% 200। इसको ना कुछ नहीं करना, इसको बस कैरी डाउन निकाला करना है, इसको क्यों नहीं करना कुछ, 7-7% लग चुकी है ना, तो बस एज इट इज कैरी डाउन निकाल दें। जी नहीं, मैं ब्लू मार्कर किसलिए लाया था, हाँ ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 5.1। जी बोलो, एट फोर एट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डबल फोर जी 926 पीबीटी। पीबीटी 6 7 6 6 7 6 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
इसमें मसला क्या है? नहीं मुझे बताओ, आज खड़े हो जाओ, इसमें बताओ मसला क्या है। ठहर 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 जो बोलने दो जरा, क्या मुझे लग रहा है कोई फिल्म चल रही है, मैंने रिवाइंड कर दिया है। भाई जन कह रहे हैं इसमें मसला ये है कि एसोसिएट का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और भाई एसोसिएट का प्रॉफिट 30% लेना था और वो पड़ा है, तो आप इसमें मसला बताओ क्या है। आप बोल जो बोलना चाह रहा था लेकिन निकल कुछ और गया मुंह से, वो बोला। हाँ सब्सिडरी की सारी चीजें हमने ऐड कर ली हैं, हालांकि सब्सिडरी की कुछ चीजें निकाल दें तो ये मसला है इसमें। एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स एंड एनसीआर, जी 55 5 3 5 3 6 6.4। अगला सवाल होमवर्क में है, 15 मिनट टाइम है इसका, 15 मिनट। क्वेश्चन 6 घर में
क्वेश्चन 6 पेज 679. नहीं नहीं 20 मिनट नहीं, 15 मिनट. उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेना ना, P2A A2P को क्या करना होता है, फिर बाकी हो जाएगा. पेज नंबर 94, पेज नंबर 94. पास्ट पेपर्स को जरा नजर मार लें सारे. क्वेश्चन 1, पेज 94, क्वेश्चन 1. इसमें कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट है. ये जब फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट, कभी बच्चे होमवर्क में ये सवाल करते हैं तो आपके पास एक सवाल पूछते हैं कि आपने गेन तो उल्टाया, डेप्रिसिएशन नहीं उल्टाई. रीजन में कहां से डेप्रिसिएशन उल्टा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हो रही. तो अगर पेरेंट्स सब्सिडरी को साल के एंड पे एसेट बेचे तो गेन ही उल्टेगा, गेन नेट नेट डेप्रिसिएशन. तो ये एक छोटी सी चीज है. क्वेश्चन 2 आपने किया हुआ है, क्वेश्चन 3 अभी मैं डिस्कस करूंगा. 4 कर लिया डिस्कस सारा. 5 में वैसे मैं बातें कर रहा हूं, 5 में सिर्फ 0.5 एक रहता है, वो मैंने करवाना है. ये थोड़ी सी अजीब सी एडजस्टमेंट है, बाकी सारा कोई जान बेजान सा सवाल है. क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में मैंने दिया था, लेकिन उधर डाल के दिया था गोल्डन लिमिटेड वाला. वो याद है, ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गई थी एक्सचेंज बिल्डिंग के अगेंस्ट प्लांट. तो 6 तो आपको करने की जरूरत नहीं, ये उधर डाल के सवाल में आपको दिया हुआ होमवर्क में. ठीक है, 7 में बस एक दो एडजस्टमेंट थी, वो वाली जो मैंने आपको कराई थी, ये वाली एडजस्टमेंट 50 इन्वेस्टमेंट इनकम, ये वाली कोई एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको करा दी थी. बाकी एडजस्टमेंट से सवाल में भी बेजान सी हैं, भी आपको मैंने करवा दी हुई हैं दूसरे सवालों में डलवा के, तो बाकी सवाल बेजान सा है. क्वेश्चन 7 और 8 भी ऑलमोस्ट क्लास में सारा हो गया हुआ है, इसमें भी ये एडजस्टमेंट एक रहती है, ये जो लोन वाली है, तो ये इंशाल्लाह मैंने करवानी है आपको कल टाइम निकाल के. तो ये एक दो एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो ये पास पेपर के सारे क्वेश्चन फारिग हैं. अच्छा मुझे आप ये बता दें, ये क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें ना आईकैप ने थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीके से डेटा दिया था. आपको मैं थोड़े से हिंट देता रहूंगा, बल्कि हिंट देने से पहले आपसे पूछा करूंगा, फिर आपने बतानी है चीज़ें. तो जिन लोगों ने कल गलती से क्वेश्चन 3 को हार्ड डाला है तो कोई मसला नहीं. ऑन जकम जुलाई 2014 गैलेक्सी एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा. हमारा कंट्रोलिंग है तो फिर दूसरे का नॉन कंट्रोलिंग होगा. फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी. अच्छा ये ना बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट्स टाइप उसने दिए हैं, तो कुछ बच्चों को एक दो चीज़ें समझ नहीं आई थी. ये जरा बताएं ये चीज़ें क्या हैं. हमारा जीयर एंड ये है, अच्छा यार या तो हमें आरी दे दे या नेट एसेट्स दे दे, दोनों के देने की कोई तुक नहीं बनती. तो मैं जरा नेट एसेट्स को काट रहा हूं क्योंकि मेरा आरी से काम चल जाना है, मेरा आरी से काम चल जाना है, नेट एसेट्स की मुझे जरूरत नहीं है. लेकिन जरा सोच के बताएं, ये वर्किंग 6 टाइप कोई चीज है, ब्रॉड डाउन प्लस प्रॉफिट, डिविडेंड है कोई नहीं. तो अगर वर्किंग 6 मैं जहन में लाऊं तो ब्रॉड डाउन प्लस प्रॉफिट तो क्लोजिंग 60 और 18 प्लस 6 24, डिविडेंड सवाल में है नहीं. तो ये वर्किंग 6 बन गई हमारी पूरी, ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग. और ये 60 रुपए आपने घर में ले जाने, वर्किंग नंबर नहीं नहीं वन में नहीं मेरे भाई, वन में नहीं, वर्किंग 3 में, ये तो क्लोजिंग है ना. और 2400 कहां ले जाने, वर्किंग 2 में. इस तरह करके आपने नोट करने, तो जरा करते रहे छोटा छोटा साथ. तो ये वर्किंग 6 का उसने डेटा देने की कोशिश की है. नहीं नहीं सवाल नहीं करना, बस ये हल्का फुल्का सा नोट करते रहे. अच्छा ये जो अगली चीज है, ऐसे ही आई कैप ने तंग करने के लिए दी थी, बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अगर ज्यादा आपने डिटेल में जाने तो फिर ये अगली चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं. असल में अकाउंटिंग इक्वेशन है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो असल में तो ये देख लें, 100 जमा 40 जमा 20 160 और 50 जमा 18 जमा 6 74. ये 74 या 160, असल में मैंने आपको के ऊपर वाली तीन चीजें जब मैंने उठा लिया तो नीचे वाली डुप्लीकेशन है. अब या तो
नेट एसेट्स दे या आरई दे, नेट एसेट भी दे रहे हैं, आरई भी दे रहे हैं, दिमाग की दही बनाई हुई है। तो अगर आप साबित करना चाहते हैं तो ये 166 और 74 है, लेकिन एक फिक्रा मैं जरूर बोलूंगा कि ये 74 इस काबिल नहीं है कि वर्किंग वन में जाए। वर्किंग वन में प्री जानी है, वर्किंग वन में प्री जानी है, वर्किंग वन में क्लोजिंग नहीं जानी है। ये क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं। सर आपको कैसे पता क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं? 50 जमा 18 जमा 6 74, ये क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं या प्री नेट एसेट्स हैं? क्लोजिंग, तो ये मेरे क्लोजिंग, यही मैं लिख दूं ना, ये मेरे क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं। लेकिन वर्किंग वन में कौन से नेट एसेट जाते हैं? प्री। अगर वर्किंग वन में आपने नेट एसेट लेके जाने हैं तो 50 जमा 18, वो देखिए ना, जखम जुलाई को हमने खरीदा है तो 50 जमा 18 और 18 जमा 6 इज क्लोजिंग आरी। तो ये ऐसे को पंगे लिए हुए इसमें। आगे चलें, इन्वेस्टमेंट इन बीएल कितने शेयर्स? 3 लाख। और ये ऑब्वियसली इसी की किताबों में नजर आएंगे, इसकी किताबों में तो नजर नहीं आएंगे। ये जरा ट्राई करें, क्या समझ आ रहा है आप सबको? पढ़ने दो ना, असल में कुछ नहीं, ये सवाल नहीं किया हुआ। इसके आगे ना बाय का लफ्ज अगर मैं डालूं, सेल बाय जीएल, सेल बाय जीएल कितनी? सेल बाय बीएल, ठीक है। आगे तरह ट्राई करें, अनसोल्ड इन, ये क्या है? हाँ, आपस की परचेज रिमेंड अनसोल्ड। ये परचेज है जो अनसोल्ड है, इसका मतलब है ये वो है जो इसका वाला पोर्शन है। ऊपर देखे ना, ये बीएल की किताबों में आ रही है, ये बीएल की किताबों में क्या है? परचेज। तो असल में ये क्रॉस चीज थी कोई, 25 का 5 इधर पड़ा हुआ है, तो ये अनसोल्ड है क्योंकि इसका अनसोल्ड इसके पास पड़ा होगा और इसका अनसोल्ड। अब इसने बैलेंस शीट दी है या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं? एक्सट्रैक्ट्स देने की कोशिश की है। तो हमें कैसे पता चलेगा? परचेज ऑफ पी, तो फिर किसकी सेल होगी? एस की सेल होगी ना, एस की सेल होगी। तो एस की सेल में से पड़ी हुई परचेज कितनी होगी? बोले बोले बोले, और उसमें से, और फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट निकलेगा। अच्छा, ये क्या है? आप इंटर कंपनी करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं, वो तो अगली बात है ना, उससे पहले की बात। अगर आपको बैलेंस शीट नजर आ रही होती तो ये फिर कुछ इस तरह की चीज है, 7 और 4 नेगेटिव में उसने लिखा हुआ ना, तो फिर ये लाइबिलिटी होगी। लेकिन अब रेक्टिफाइंग एंट्री कंसोलिडेशन पर्पज के लिए जो हमें करनी पड़ेगी, ये तो 7 और 4 को मैं सोच रहा हूं कि है क्या। अब अगला सवाल है, अब मैंने क्या करना है? क्रेडिट डेबिट, डेटर क्रेडिट और बैलेंसिंग गुड्स इन 3 को 3 दफा प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा, एक P2S वाला, एक S2P वाला, और आपको पता है कि इनका भी प्रॉफिट रिवर्स होता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन किस 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 से किसकी तरफ थी? नीचे नीचे बताएगा, नीचे बताएगा। इंटर कंपनी सेल्स आर इनवॉइस्ड कॉस्ट फॉर 20% डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स में कितना डिफरेंस है? ये लिखा हुआ ना, करंट अकाउंट आपस के अकाउंट। द डिफरेंस इन द करंट अकाउंट्स इज ड्यू टू गुड डिस्पैच बाय जीएल, जीएल ने डिस्पैच की है। तो किसने बेची है? पी ने। तो इसका फिर प्रॉफिट रिवर्सल की एंट्री क्या बनेगी? सीआरई डेबिट 3 / 120 / 20 0 पॉइंट। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री में आपको पता है एक और एंट्री होती है, किस चीज की? आपस का प्रॉफिट उठाने की। तो एडजस्टमेंट्स आर इजी बट द वे इंफॉर्मेशन इज गिवन इज बिट अजीब। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आसान है, ये वाली एडजस्टमेंट मुझे करवा दें, ये मैंने आपको करवाई है पिछली क्लास में। जिसने जो बाप ने कर लिया वो बाद में बेटे ने कर लिया। द वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 10 मिलियन, इसको इसे पढ़ा करें। द वैल्यू ऑफ द प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 10 मिलियन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसकी एंट्री क्या बनी? इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। इसी एडजस्टमेंट से मैंने कॉपी पेस्ट करके जो काम वाले सवाल में डाला था, सवाल का नाम हमने रखा था जो काम,
ओके, द इंपेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय बीएल, ने भी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर दिया जी। बेटे ने भी एंट्री कर लिया, अब बाप को एंट्री उल्टाएं बेटे को, बेटे ने कर लिया इंपेयरमेंट, कर लिया रिकॉर्ड, कीवी को उल्टाएं कैसे? लेकिन उसने एक दिन बात की है, तो ये वर्किंग वन टाइप कोई चीज नहीं है, ये वर्किंग टू में जाएगी, पीपीई डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब ऐसा कर लीजिएगा यार, क्वेश्चन थ्री और फोर को लटकाए ना, क्वेश्चन थ्री और फोर जो ना टाइम निकाल के कर लें, और साथ वो छोटा सा क्वेश्चन एक दिया है, कितना लटकाएंगे चीजों को? ओके, थ्री और फोर टाइम मिला तो कर लें, वो सवाल एसोसिएट वाला तो जरूर आपने करना है।